नमस्कार, न्यूज फ्लैश के खास कार्यक्रम इनसाइट में आपका स्वागत है। इनसाइट जिसमें हम ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हैं और ज्वलंत मुद्दा है दिल्ली के दंगे, दिल्ली की दहशत और पिछले 3 दिन से दिल्ली में जो कुछ उपद्रव हो रहा है, जो कुछ तांडव है, हम उसी के कुछ राजनीतिक पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग सब जगह हो रही है, सब जगह से समाचार आ रहे हैं किस तरह से वहाँ लगातार वहाँ पर आगजनी हुई, किस तरह से लोगों के घर जलाए गए, किस तरह से गोलियां चलाई गई। लेकिन उन सब से अलग हटकर आज जो कुछ स्वरूप नजर आया, वो स्वरूप नजर आया राजनीति का। खुलकर राजनीतिक मोहरे सामने आ गए, मोर्चे बन गए और दिखाई दिया कि किस तरह से दिल्ली को एक राजनीतिक चौपड़ बना लिया गया उस खेलने के लिए कि किस तरह से हम लोगों को बिसात पे, दिल्ली की बिसात पर ये सब कुछ राजनीति खेली गई। क्या थी सारी राजनीति जो लोगों को समझ में आने लगी? वो राजनीति ये समझ में आने लगी कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जिस तरह से CAA पर अब तक कंफर्ट थी, अब तक आरामदायक पोजीशन में थी और जो कुछ शाहीन बाग में हो रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसे कोई बहुत ज़्यादा एहसासता नहीं थी और उनका मानना था कि अपने आप ही हट जाएंगे या फिर अगर धरना देती भी रहे तो कोई खास बात नहीं। लेकिन किस तरह से ये उलझन पैदा हुई 2 दिन पहले कि आखिरकार उस मुकाम पर प्रदर्शनकारियों को, वहाँ विरोध जता रहे लोगों को भी उस अंतिम पड़ाव पर आना पड़ रहा है और सरकार को भी अंतिम पड़ाव पर आना पड़ रहा है और कामयाब होती दिखाई दे रही है विरोधी, यानी जो अब तक इस पूरे मामले का विरोध कर रहे थे राजनीतिक तौर पर, उनकी मंशा पूरी होती दिखाई दे रही है क्योंकि एक चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सुबह तक फंसती नजर आई। इसलिए फंसती नजर आई क्योंकि ये सारा जो मामला था उसकी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर थी और पुलिस केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही है दिल्ली की, इसलिए यहाँ घेराबंदी होना भी लाजमी था केंद्र सरकार का। किस तरह से 20 से ज़्यादा लोगों के मौत की बात की जा रही है, किस तरह से अस्पतालों में घायल भरे पड़े हैं, ये सारे चीज़ घेरने के लिए काफ़ी था। और यही हुआ कि सुबह जब लगा कि किसी तरीके से सरकार इस पे अपना रवैया रखेगी और सरकार एग्रेसिव होने का प्रयास करेगी, उससे पहले ही कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेर दिया। सोनिया गांधी ने न केवल सरकार को घेरा बल्कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जो मुख्य शत्रप हैं उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ख़त्म हो गई और इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। और यही टारगेट भी था कांग्रेस का कि किसी तरीके से अमित शाह को घेरा जा सके क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय मुख्य शत्रप वो हैं और उनकी कार्यप्रणाली और उनकी अक्षमता को जाहिर किया जा सके, और वो करने में कामयाब रही सुबह। कांग्रेस ने जो बिंदु गिनाए, सोनिया गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिंदु गिनाए, वो लोगों के गले भी उतरे कि आखिरकार पुलिस क्या कर रही थी, क्यों इतनी देर तक मुस्तैदी नहीं दिखाई, आखिरकार प्रशासन क्या कर रहा था, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, क्या ये सुनियोजित था या ये तत्क्षण ही पैदा हुए हालात थे। ये भी विरोधाभास नजर आया इस पूरे मामले में भी गृह मंत्रालय का। गृह मंत्रालय का एक धड़ा इसे तत्क्षण हुआ रिएक्शन यानी उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मान रहा था, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह का मानना था कि ये सब कुछ पूर्व नियोजित भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें थी जो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि सरकार को घेर लिया गया, सरकार को इस समय जवाब देना पड़ रहा है कि किस तरह से नाकाम हुए इस पूरे मुहिम में। और अब क्योंकि NSA अजित डोभाल उतर आए हैं मैदान में और वो कल रात से खुद क्षेत्रों में जाकर लोगों को ये विश्वास बहाल कर रहे हैं कि उनके साथ प्रशासन और पुलिस दोनों मौजूद हैं और लोग सुरक्षित हैं, किसी भी तरीके से वो अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें, इस बात का भरोसा उन्हें दिलाना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह को घेरा, यानी विपक्षी दलों के निशाने पर हैं अमित शाह और उनकी कार्यप्रणाली। अब तक जो अमित शाह काफ़ी एग्रेसिव मैनर में काम करते नजर आते हैं, उनकी कार्यशैली उसी तरह की है, लेकिन उन्हीं की कार्यशैली को घेरा विपक्ष ने। और सुबह श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा तो दोपहर होते होते तक संजय सिंह ने भी हमला बोल दिया और पूरी जिम्मेदारी
केंद्र सरकार और उसकी कार्य प्रणाली के ऊपर डाल दी और खास तौर पर उनके नेताओं पर डाल दी। और चुनाव के समय से लेकर अब तक जिस ढंग से नेताओं ने जो बयान दिए थे उससे भी उसको जोड़कर पूरे मामले को उन्होंने सामने रख दिया, आरोप लगा दिए कि जो कुछ बयान पिछले समय से दिए जा रहे थे ये सब उसी की परिणति है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार अभी पूरे तरीके से इस मामले को संवेदनशील तरीके से हैंडल करने के लगी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जरा सा इसमें चूक पूरे देश में दिक्कत खड़ी कर सकती है, क्योंकि सीएए को लेकर के पहले ही विरोधी खेमा पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ था और कई शहरों के अंदर सीएए विरोधी आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली की आग दूसरे शहरों में ना पहुंचे, ये पहला प्रयास है और सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी दिल्ली में हालात बहाल कर दिए जाएं, जिससे विपक्षी जो हमलावर हैं केंद्र सरकार पर उस हमले को रोका जा सके। जो अक्षमता, जो फेलियरनेस बताया जा रहा है, उस फेलियरनेस को तुरंत ही ये बताया जाए कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही दिल्ली में हावी है केंद्र सरकार के कार्यप्रणाली को लेकर, और दोनों ही हमलावर हैं इस बात को लेकर कि आखिरकार ये आग कैसे लगी, तो इसकी जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर डाली जा रही है। फिलहाल अगर हम दिन भर के घटनाक्रम की बात करें तो न्यायिक क्षेत्र से जो कुछ हुआ वो भी पार्टी के लिए असहजता पैदा करने वाले कदम थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहीन बाग मामले में 23 मार्च को सुनवाई होगी और तब तक वो जो मध्यस्थ थे वो काम करते रहे, इस तरह की बात की गई। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो कुछ कहा वो भी केंद्र सरकार के लिए असहजता पैदा करने वाली स्थिति है कि उन्होंने कहा कि आखिरकार पुलिस क्या कर रही थी जब कपिल मिश्रा वहाँ पुलिस अधिकारी के साथ खड़े होकर ये सब कुछ कर रहे थे, बयान दे रहे थे, तब क्यों नहीं उन पुलिस अधिकारी की पहचान की गई, क्यों नहीं उनको बात की गई, किस तरह से ये सारे वक्तव्य चलते रहे। ये कुल मिलाकर के बात ये है कि कोर्ट से भी फटकार मिल रही है, जनता भी आहत है, जनता भी परेशान है और विपक्षी दल हमलावर हैं। तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा अगर कहें कि स्थिति इस समय जो है वो कटघरे में है वो है केंद्र सरकार की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इस समय कहाँ हैं, आखिरकार शांति बहाली में उनकी क्या भूमिका है, ये सारे जो दंगे हुए उन्हें रोका जा सकता था तो उन्हें रोकने के लिए क्या प्रयास किए आम आदमी पार्टी के, क्योंकि सरकार उनकी है, वहाँ जनप्रतिनिधि अभी हाल ही में जीत कर आए हैं, तो उनकी क्या भूमिका रही इस पूरे मामले में, उसे वो लेकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि वो सब नदारद हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे, इस तरह के वक्तव्य बीजेपी की ओर से आ रहे हैं। कुल मिलाकर के हम ये दो दिन का घटनाक्रम देखें तो केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं विपक्षी दल, न्यायिक क्षेत्र से मिल रही है फटकार और जनता है परेशान, और जनता जो परेशान है तो उसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं पुलिस की फेलियर को सरकार की फेलियर के साथ जोड़ा जा सकता है। लेकिन अब एक बात जो सबसे अच्छी है वो ये है कि हालात सामान्य होने की ओर होंगे। अजीत डोभाल पूरे आत्मविश्वास के साथ फील्ड में हैं और ग्राउंड में रिपोर्टिंग नहीं कर रहे बल्कि वो लोगों के साथ कॉन्फिडेंस को वापस बूस्ट करने के लगे हैं, उनके साथ ही दिखाने के लिए लगे हैं कि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ा दी गई। ये बात और है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जिस तरह से सेना लगाने की बात की थी उसे सरकार ने खारिज कर दिया। और आज बड़ी बात ये भी रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होंगे और हम सब लोग मिलकर हालात सामान्य कर लेंगे। बहरहाल दिल्ली का दंगा राजनीति के गलियारों में गेंद बनकर इधर से उधर फुटबॉल की तरह घूमता रहा और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप रखते रहे, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इन आरोप प्रत्यारोपों से अलग एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर साथ देने का समय है। ये आरोप और प्रत्यारोप नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर ये इंसानियत और सद्भाव की लड़ाई लड़ने का समय है।